कृतिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, आपने कहा एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई है. कैन यू टेल अस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, कि आपने कल यूजीसी नेट इस सस्पेंशन पे कैंसिल किया कि शायद उस एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई हो. द इनिशियल और रादर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑफ बिहार पुलिस शोज दैट वन कैंडिडेट हैज कन्फेस्ड कि मुझे एक रात पहले पेपर मिला, मैंने सॉल्व किया और जवाब रटे गए. सो वुड यू जस्ट बेस्ड ऑन दैट सस्पेंशन और इंडिकेशन ऑल्सो वॉन्ट यू नो कैंसिल यूजीसी, सॉरी नीट यूजी? ठीक है, दो प्रश्न आपने रखे हैं. एक तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, समाज जीवन के आज के दिनों में भारत की जो विश्वसनीयता बनी है उसको बरकरार रखने के लिए समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमिटी बनाएगी. उनकी कमिटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा. जल्दी ही हम उस कमिटी को नोटिफाई करेंगे. आपने नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था. कल मैं जब हमारे यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है. उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया. जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो. क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है, टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है. आप उसके बारे में जानते हैं. हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए. और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्द ही हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए. जहां रहा नीट के सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है. जैसे मैंने कहा, मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है. एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंडअप कर पाया है, कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे. उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं, हम उनके अनुसंधान से संतुष्ट हैं. भारत सरकार के अधिकारी और बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर वार्तालाप हो रही है. ये दोनों घटना की बैकग्राउंड और चरित्र दोनों के अलग है. और हम फिर कहना चाहेंगे, लाखों विद्यार्थियों की, मेधावी विद्यार्थियों की, गरीब विद्यार्थियों की हितों की बात है. हम ऐसा कुछ ना करें जहां हमारी देश की भविष्य काटघरे में आ जाए. जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं.